आज हम जानेंगे कि कैसे पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग से कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस प्राप्त करना बहुत ही आसान है, इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, आप इजीली इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको जमा कराने पड़ते हैं पीडब्ल्यूडी ऑफिस में, उसके आधार पर ही आपको लाइसेंस बना के दिया जाता है। उसमें कुछ जनरल डॉक्यूमेंट आते हैं जिसमें आधार कार्ड हो गया आपका, पैन कार्ड हो गया आपका, वोटर आईडी कार्ड हो गया आपका, और कुछ तीन चार फोटो चाहिए होती है, और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर एक दो कोई डॉक्यूमेंट और अलग से कोई आपके एरिया के हिसाब से मांगता है तो वो अलग बात है। फिर आपको उसमें चाहिए कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट जिसमें आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है जिस फर्म के नाम से आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उसमें, और एक आपको चाहिए करंट अकाउंट उस फर्म का जिस जो फर्म आप उसमें खुलवाना चाहते हैं, फर्म मतलब कोई नाम हो गया आपकी कंपनी का जो आप रखना चाहते हैं। फिर आपको एक चाहिए एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट 50,000 की होती है डी क्लास के लिए। सबसे पहले आपको डी क्लास ही बना दिया जाता है, वो आप एफडी अपने नाम से कर सकते हैं या फर्म के नाम से कर सकते हैं, वैसे वो होती है एक्सियन के नाम से है, पीडब्ल्यूडी का जो अधिशासी अभियंता होता है उसके नाम से होती है। तो वो अगर आप अपने नाम से करते हैं तो वो अपने नाम से प्लेस करवा के ले लेंगे बैंक अकाउंट से। तो ये जो स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट्स की वो आप बना लीजिए, जीएसटी हो गया, करंट अकाउंट हो गया, एफडी हो गया, ये करके आप सीधा चले जाइए पीडब्ल्यूडी ऑफिस। पीडब्ल्यूडी ऑफिस में अकाउंटेंट से मिलिए, वो आपको कुछ फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी करने के बाद लाइसेंस की प्रोसेसिंग कर देगा। उसमें आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करा देने हैं, बस इतना ही है। 10 या 20 दिन के बाद आपका लाइसेंस बनके हो जाएगा तैयार, आप उसको यूज कर सकते हैं कोई भी टेंडरिंग में, मतलब आप उसमें ले सकते हैं 15 लाख तक का काम। उसमें आपको तुरंत देनी पड़ती है 0.5% अर्नेस्ट मनी उसी डिपार्टमेंट में और 2% अर्नेस्ट मनी अदर डिपार्टमेंट अदर लोकेशन में जो आपके अलावा जगह है उनके लिए। अगर आप टेंडर भरते हैं तो उसमें आपको देना पड़ता है 2%, बस इतना ही है। धन्यवाद।